हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल बक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारे पास ये गाड़ी आई है और गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं ले रही, यानी कि गाड़ी सेल्फ ले रही है बट स्टार्ट नहीं ले रही, और गाड़ी में चेक इंजन की ये वाली लाइट भी आ रही है। तो चलिए अब हम लोग गाड़ी को स्कैन करके देखते हैं कि फॉल्ट कोड जो है वो गाड़ी में क्या आ रहा है। तो ये हमने इसमें स्कैनर लगाया है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें फॉल्ट कोड आप देख पा रहे हो, काफ़ी सारे फॉल्ट कोड आया हुआ है। ये एक फॉल्ट कोड जो है ये रेल प्रेशर से रिलेटेड फॉल्ट कोड है इसमें, और बाकी जो है वो हिस्ट्री में। तो एक बार हम फॉल्ट कोड को क्लियर कर लेते हैं और दोबारा आपको चेक कराते हैं कि दोबारा इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। तो ये आप देखो, नो फॉल्ट कोड इसमें दिखा रहा है। तो जैसे कि हमने देखा फॉल्ट कोड में कि गाड़ी में रेल प्रेशर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आया हुआ था, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पंप से हमारा फ्यूल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, इंजेक्टर तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। तो रेल प्रेशर को हम चेक करते हैं कि रेल प्रेशर हमारा कितना बन रहा है। तो ये अब हम गाड़ी को क्रैंकिंग कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो कि रेल प्रेशर हमारा 60 बार से ज़्यादा बन नहीं रहा है, यानी कि 60 बार में हमारी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए कम से कम 250 टू 300 बार का प्रेशर चाहिए। ये आप देख पा रहे हो 60 बार से ज़्यादा प्रेशर नहीं बन रहा। तो प्रॉब्लम हमें कहाँ मिली ये आप देख पा रहे हो, इसका जो एक इंजेक्टर है ये आप देखो ये डायरेक्ट हो गया है, यानी कि इसकी जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से रेल प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पा रहा है और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। सारा प्रेशर जो है वो इधर से ही निकल जा रहा है। तो इस इंजेक्टर को हम लोग खोल लेते हैं जल्दी से और फिर इसको रिपेयर करके हम लोग डालते हैं गाड़ी पे और फिर आपको चेक कराते हैं कि गाड़ी हमारी ओके होती है या फिर नहीं होती। गाड़ी में प्रॉब्लम ये हुई थी कि गाड़ी जो है वो चलते चलते बंद हो गई थी, तो किसी ने इसके इंजेक्टर के पाइप को ढीला करके एयर निकाला था, जिस वजह से इंजेक्टर जो है वो फंस गए थे। तो उसी लिए ये इंजेक्टर डायरेक्ट हो गया, जिस कारण रेल प्रेशर हमारा नहीं बना और गाड़ी स्टार्ट जो है वो नहीं हो रही थी। तो ये आप देख पा रहे हो कि अब जो है वो हमारा इंजेक्टर जो है वो ओके हो गया है, इसको हमने क्लीन कर दिया, क्लीन करते ही ये ओके हो गया। इसका जो कंट्रोल वाल्व है वो फंस गया था, जिस कारण इसकी रिटर्न फ्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी गाड़ी में और उसके कारण गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जब भी आप डेल्फी के इंजेक्टर जो है आपका फंसता इसी रीज़न से है कि अगर आप एयर निकालने की कोशिश करोगे नोज़ल पाइप को ढीला करके, तो उसके अंदर डस्ट चला जाएगा, जिसके कारण आपका इंजेक्टर जो है वो लॉक हो जाएगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो इंजेक्टर को हम जल्दी से फिट कर लेते हैं और दोबारा देखते हैं कि गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती, क्योंकि जिस मैकेनिक ने इसका काम किया था उन्होंने चारों इंजेक्टर के पाइप जो है वो लूज़ किए थे। तो उम्मीद हमें कम ही लगता है कि गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये हम गाड़ी को क्रैंकिंग करते हैं अब। ये आप देखो रिटर्न फ्यूल जो है वो तो अब नहीं आ रहा, बट गाड़ी अभी भी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम दोबारा स्कैनर लगा के चेक करते हैं कि कहीं इसमें वायरिंग में फॉल्ट है या फिर कुछ और फॉल्ट है, और रेल प्रेशर भी मैं आपको चेक कराता हूँ कि रेल प्रेशर हमारा बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंजेक्टर से पहले जो रिटर्न फ्यूल काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अब हम क्रैंकिंग करके देखते हैं कि इसमें से रिटर्न फ्यूल जो है वो ज़्यादा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हो रिटर्न फ्यूल जो है वो अब नहीं आ रहा पहले जैसे, तो हमारा रेल प्रेशर जो है वो अब बनना चाहिए। तो जैसे ही हमने स्कैनर लगाया ये आप देख सकते हो रेल प्रेशर हमारा अब बन रहा है, जो कि पहले 60 बार के आसपास बन रहा था। तो रेल प्रेशर हमारा अब बन रहा है और फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम एक बार पेट्रोल से भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो पेट्रोल सुखाने से भी गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, तो बाकी के इंजेक्टर भी हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्टर के पाइप जो है वो किसी ने लूज़ किए थे जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो उसी कारण चारों ही इंजेक्टर जो है वो फंस गए, जिस कारण गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अगर आप भी ऐसे काम करते हैं, गाड़ी में एयर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इस गाड़ी में एयर आप ना निकालें, खास करके डेल्फी इंजेक्टर्स में, क्योंकि आप अगर एयर निकालने की कोशिश करोगे तो इंजेक्टर आपके फंस जाएंगे और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये हमने क्लीन करके लगाए हैं चारों इंजेक्टर। इंजेक्टर के जो पाइप है उसको भी हमने कपड़ा नहीं मारना है, क्योंकि कपड़ा मारने से उसमें डस्ट चला जाएगा, तो आपको कुछ नहीं डीजल से वॉश करके सीधा लगा देना है। और ये आप देख सकते हो हल्का हल्का आपको क्रैंकिंग करना है, जैसे फ्यूल आए इंजेक्टर पे उसे आपको टाइट कर देना है।
तो जैसे कि हमारा दो नंबर इंजेक्टर पे फ्यूल आ गया तो उसको हमने टाइट कर दिया, तो फिर दोबारा हम लोग ऐसे ही क्रैंकिंग करेंगे और बाकी के जो इंजेक्टर है उन पे भी जैसे ही फ्यूल आएगा उसको भी टाइट कर देंगे। ये आप देखो इस वाले पे और इस वाले पे भी फ्यूल हमारा आ गया है, तो इसको हम टाइट कर देते हैं और इसको भी हम टाइट कर देते हैं। अब बच गया हमारा एक इंजेक्टर, तो इसको भी हम थोड़ा और क्रैंकिंग करेंगे, उस पर भी जैसे ही फ्यूल आएगा उस वाले इंजेक्टर को भी हम टाइट कर देंगे और फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। कई बार ऐसा करने से भी आपका इंजेक्टर जो है वो फंस जाता है, तो उस कंडीशन पे आपको कपलर निकाल निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा इंजेक्टर जो है वो फंस गया है। तो हमारे चारों इंजेक्टर टाइट हो गए, अब हम आते हैं सेल्फ। तो ये आप देखो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी हमारी प्रॉपर हो गई है। इस तरीके से आपको इंजेक्टर को जो है गाड़ी में फिट करना है। आपको कपड़े का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, कि काफ़ी लोग होते हैं कि इंजेक्टर के पाइप पे कपड़ा पोंछ के मारते हैं, तो उससे भी जो है आपका इंजेक्टर जो है वो फंस जाएगा। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो अब हमारी प्रॉपर ओके हो गई है और गाड़ी अब हमारी स्टार्ट भी हो रही है और रेस भी हो रही है। तो अब जो है अब इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, जो कि पहले प्रॉब्लम था तो हमने उसको सॉल्व कर दिया और गाड़ी अब हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। अब मैं आपको इसको स्कैन करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें रेल प्रेशर वगैरह बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, सही से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। ये आप देख सकते हो आइडलिंग कंडीशन पे भी गाड़ी हमारी ओके है। अगर आपका कोई भी एक इंजेक्टर भी फंस जाएगा तो आइडलिंग कंडीशन पे इंजन जो है वो वाइब्रेट करेगा, तो उससे आपको समझना है कि कोई इंजेक्टर जो है वो आपका नहीं काम कर रहा है। तो उस कंडीशन पे आपको कपलर निकाल कर उसे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इंजेक्टर जो है वो नहीं काम कर रहा है, तो फिर आपको दोबारा उस इंजेक्टर को क्लीन करके लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी जो है वो प्रॉपर ओके होगी। अब मैं आपको आता हूँ गाड़ी पे और उसका जो फॉल्ट कोड आ रहे थे पहले वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ और उसको डिलीट करते हैं और गाड़ी को अब हम लोग चला के देखते हैं कि गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी में जो है अब किसी भी तरीके की चेक लाइट जो है वो इसमें नहीं आ रही है। मैं आपको स्कैनर से भी चेक करा देता हूँ और गाड़ी जो है वो अब हमारी प्रॉपर रेस जो है वो हो रही है। तो ये आप देखो हम जो है फॉल्ट कोड आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने इंजेक्टर वगैरह खोले थे तो उसी से रिलेटेड इसमें फॉल्ट कोड आया हुआ है, तो एक बार इस जो फॉल्ट कोड आ रहा है इन सब को हम क्लियर कर लेते हैं और दोबारा गाड़ी में हम चेक करते हैं कि दोबारा कुछ फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो ये हम जाएंगे क्लियर फॉल्ट कोड पे, यहाँ करेंगे हम यस। अब दोबारा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये आप देखो नो फॉल्ट कोड अभी इसमें आ रहा है। और रीड डेटा स्ट्रीम में मैं आपको रेल प्रेशर भी चेक कराता हूँ कि रेल प्रेशर हमारा सही बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। ये हम जाएंगे रेल प्रेशर पे, इसको हम ओके करते हैं। तो अब हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। पहले की जैसा आपने देखा कि हम क्रैंकिंग कर रहे थे तो 60 बार का प्रेशर बन रहा था, तो 250 टू 300 बार का प्रेशर जो है वो बनना चाहिए क्रैंकिंग करते हो, तभी जो है वो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो ये आप देख सकते हो रेल प्रेशर भी हमारा सही बन रहा है और गाड़ी भी हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो गई। अब इसको रेस करते ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेल प्रेशर भी जो है वो हमारा बढ़ रहा है, तो गाड़ी जो है वो हमारी प्रॉपर ओके हो गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वो रेड वाले बटन को दबाकर, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो गाड़ी की जो रीडिंग है, एक्सलेटर पेडल हो या रेल प्रेशर हो, सब सही आ रही है और गाड़ी भी हमारी प्रॉपर अब चल रही है। हमने इसका ट्रायल लेके इसको ओके कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।